नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। आज देश भर में भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। इस साल सूर्य ग्रहण के चलते भाई दूज के डेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन थी। कुछ का कहना था कि भाई दूज 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जबकि कुछ का कहना था कि भाई दूज 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि भाई दूज गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाई जाती है। लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण के चलते गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन ना होकर उसके अगले दिन मनाई जा रही है। ऐसे में भाई दूज के डेट को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन थी। लेकिन आपको बता दें कि भाई दूज द्वितीय तिथि को मनाया जाता है और इस बार द्वितीय तिथि 26 अक्टूबर की दोपहर 2:43 से शुरू हो रही है और ये 27 अक्टूबर की दोपहर 12:42 तक रहेगी। ऐसे में आप 26 और 27 अक्टूबर दोनों ही दिन भाई दूज का त्योहार मना सकते हैं। तो कुछ लोग आज भाई दूज का त्योहार मना रहे हैं तो कुछ ये त्योहार कल मनाने वाले हैं। लेकिन इस दौरान कुछ बातें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि बहन को भाई को तिलक करने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं उन्हें भाई को उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में बिठाकर तिलक करना चाहिए या फिर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में बैठाना चाहिए। यहाँ पर बैठाकर तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं कहा तो ये भी गया है कि जिस भाई की बहन होती है उसे उस दिन तिलक लगवाने से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और कहीं और भी नहीं खाना चाहिए। उसे सबसे पहले अपने बहन के हाथ से ही मिठाई खानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि भाई दूज के दिन आपको भूल कर भी तामसिक यानी कि नॉनवेज खाने का सेवन नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।